राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया में है। रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। दोनों ने व्यापार को लेकर चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी ने चांसलर नेहमर के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने इस मौके पर कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल रिस्टल कार्ल्टन पहुंचे तो वहां उन्होंने भारतवंशियों से मुलाकात की। यहां उनके स्वागत में वंदे मातरम की धुन बजाई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने पहुंचे। नेहमर ने मोदी के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक और विशेष दोनों है। 41 साल के बाद किसी भारतीय पीएम ने यहाँ का दौरा किया। ये सुखद संयोग है कि यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों को 75 साल पूरे हुए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।